हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसकी सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है, मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है, यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मैदा मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीव से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्री और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्री और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बातें ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ही उद्धव, राज राजेश्वर पुरुर्वा के मन में जब इस तरह उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा, उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुर्वा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का आगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं, उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी दुख सुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों की सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा में साक्षात परम ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूबे रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। हे प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुर्वार को उर्वशी के लोक की स्पृहा ना रही, उसकी सारी आशक्तियां मिट गईं और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदों, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन श्रवण करते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्त जन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहले आपके मुखारविंद से ही निकला था, आपसे ही ग्रहण करके इसी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगनी भगवती पार्वती को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरण कमलों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजित्व प्राप्ति करे, प्रसिद्ध और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेपन करके पुनः स्नान करें। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती हैं, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, वालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। हे उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्धि प्रसिद्धि पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर लें। उद्धव जी, स्नान वस्त्र आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा की पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्धदानी एवं उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता।
जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहली पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाए कि उनकी अगली भाग पूर्व की ओर रहे। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अग्न्यास और करन्यास कर लें। इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करें और हाथ में प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दें। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र की जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद्य अर्ध और आचमन के लिए तीन पात्रों में कलश में से जल भरकर रख लें और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। पाद्य पात्र में श्याम